बड़े शेयर मार्केट की काफ़ी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। आईटी के इन्फोसिस टीसीएस में भी कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं है, वो भी आज बढ़कर ही खुलते हुए दिख रहे हैं। स्मॉल मिड कैप इंडेक्सेस के अंदर भी हल्की हल्की बढ़त आपको दिखेगी। चलिए चेक करते हैं, बाजार खुलने को है 1553 एडवांसेस और 200 डिक्लाइंस के साथ मार्केट ओपन हो रहा है। 80 पॉइंट की बढ़त आपने स्क्रीन पर देख ली है, 24200 आया, लेकिन धीरे धीरे करके बाज़ार नीचे, क्योंकि जो गैप एक्चुअली में मिल गया ना आपको, वही उसका टोटल गेन था। और ये देखते हैं क्या होता है, मेरा ऐसा मानना है कि 24300 को तो क्रॉस ही नहीं होगा शायद आज। हाँ, लेकिन फिर भी ये निफ्टी 24200 के पार खुला, ये एक तरह का रिकॉर्ड है जो आप अपनी स्क्रीन पर फिर से देखेंगे। और अभी हमारी टिकट टीम लिख भी देगी कि सेंसेक्स रिकॉर्ड पे और ये फलाना रिकॉर्ड पे और ये सब रिकॉर्ड पे है। रिकॉर्ड तो है ही, क्योंकि रोज़ ही ऐसा ही चल रहा है मार्केट के अंदर। मिड कैप इंडेक्सेस भी काफ़ी दिनों के बाद फिर से आपको नए लेवल्स पे आते हुए दिख रहे हैं। आ जाते हैं जरा, वो पहले 5 शेयर स्क्रीन पर दिखाइएगा, उसके बाद हम फिर और चीज़ों पर आएंगे। पहले 5 शेयर में HDFC, दूसरा रिलायंस, तीसरा इन्फोसिस, चौथा TCS, पाँचवा HUL, और अगर ज़रूरत पड़े तो आप चाहें तो आप एक और भी बड़ा कोई शेयर दिखा सकते हैं, L&T वगैरह, तो ये शेयर्स भी दिखा दें। ज़्यादातर शेयर्स जो मैंने आपके सामने अभी नाम बोले, प्रोड्यूसर साहब फायर कर रहे हैं, और उन सब में आधे आधे परसेंट तक की बढ़त है। ये बाज़ार के वो कैटलिस्ट हैं जो कि मार्केट को, इंडेक्स फ्रेमवर्क को अच्छा करके रखेंगे। आपको ऊपर ऊपर से बहुत बढ़िया बढ़िया सब दिखता रहेगा, और एक्चुअली में डीप डाउन भी अच्छा ही है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे एडवांस डिक्लाइन जो हमने NSE की लिखी हुई है, वहाँ पर भी आप बड़े लेवल का बड़ा मार्जिन्स देख पा रहे होंगे। ठीक, अब आ जाते हैं जरा और ग्राउंड जीरो पे, और जाके चेक करते हैं कहाँ कहाँ पे और स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। जरा स्क्रीन पे लेते आइएगा शेयर, मैं आपके सामने रखूँगा, आप दिखाते जाइएगा। गोदरेज CP के अंदर आज 1.5% तक की तेज़ी है। हीरो मोटोकॉर्प तेज़ है आज करीब 1.5%। एक अडानी ग्रुप का शेयर है ATGL, अडानी टोटल गैस के नाम से है, 1% ऊपर आ गया है। डाबर और मैरिको, अगर आपको ध्यान है कल परसों मैरिको शिष्टी ने भी आपको नोटिस कराया था कि ये 9% चल नहीं सकता, बट वो एक दिन में 9% चला था। आज मैं नेस्ले, डाबर, ये सभी शेयर्स को वापस से कुछ मोमेंटो में देख पा रहा हूँ, तो इसका मतलब कंजम्पशन का एग्रेसिव शेयर्स कुछ आपको और आते हुए दिखेंगे। ठीक, अब आ जाते हैं जरा आज के लूजर्स पे, आज वीक काउंटर्स कौन है। सन फार्मा थोड़ा सा वीक है, VBL वीक है, वरुण बेवरेजेस के नाम से एक शेयर है वो आपको थोड़ा वीक मिलेगा। इसके अलावा बजाज ऑटो हल्का सा वीक है, अडानी एंटरप्राइजेस हल्का सा वीक है, तो ये कुछ एक शेयर्स हैं जो आज मार्केट के अंदर आपको दिख रहे होंगे, थोड़े वीक और थोड़े मजबूत। कुल मिला के मेरे को तो आज मार्केट के अंदर एक फिर से रेंज लग रही है, कोई बड़ा शेयर नहीं है। आइशर मोटर एक बार ज़रा दिखाना, स्पीड से ये ऊपर आया है, और साथ ही जो तीन बड़ी टेक कंपनीज हैं, विप्रो, SCLTech और टेक महिंद्रा, इन सब में बढ़त अब करीब 1-1% की हो चुकी है। तो ये कुछ एक नोटिसेबल चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रख दी हैं। नए रिकॉर्ड स्तरों पर आ गए हैं, मिड कैप का नया रिकॉर्ड बन गया है, मार्केट से रिकॉर्ड हाई, हम तीनों का नाम नीचे लिख दिया, सेंसेक्स, मिड कैप एंड निफ्टी, ये तीनों के तीनों ही इस समय रिकॉर्ड हाई पे आसपास अभी आपको चलते हुए दिख रहे हैं। कुल मिला के देखते हैं अभी और क्या होता है बाज़ार के अंदर। अगर आप इंडाइसिस के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं, मेरे को लग रहा है कि मॉर्निंग का एक्शन कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा वेट करें, अगर कोई डिप विप मिल जाए तो आप आइएगा। जैसे कि बैंक निफ्टी अभी आप देखो सिर्फ 100 पॉइंट भी नहीं है इसके पास, और ये झटके से वापस भी नीचे आ सकता है। ये हीट मैप अपनी स्क्रीन पर आप चेक करेंगे तो ये लास्ट की लाइन जो है आपको इस पूरे पूरे वीक काउंटर्स की बता रही है। इसमें कोई भी बड़ा एग्रेसिव शेयर, और ऊपर भी जब आप तेज़ी वाले शेयर देख पा रहे हैं, 2-4 IT और एक फार्मास्यूटिकल्स का प्ले है, वैसा कोई मेरे को बड़ा शेयर नहीं दिख रहा। एक HDFC में रिलायंस को नोटिस कर रहा हूँ, मैंने अपनी स्क्रीन पर लगाया है, दोनों में करीब करीब सिर्फ आधे आधे परसेंट तक की बढ़त है। HDFC आज मेरे लिए 17-20 के लेवल की बड़ी इंपॉर्टेंस होगी, पार होगा तो मैं शायद फिर HDFC पे भी अपने स्टांस को बहुत बुलिश कर दूंगा। देखते हैं क्या होता है, अभी तो नहीं हुआ पार, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल रेंज में मार्केट आज आपको ओपनिंग फिर से करता हुआ दिख रहा है। 2.5% के आसपास की बढ़त के साथ तीनों के तीनों इंडेक्स, निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी बैंक, लेकिन निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो ये नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर जाकर कारोबार कर रहे हैं। पहले तेजी वाले शेयरों की बात कर लेते हैं। वेल्सपन स्पेशलिटी में एक बढ़िया शुरुआत हुई है, 8% के आसपास की NTPC से इनको करीब करीब 125 करोड़ रुपए के ऑर्डर की खबर थी। स्टॉक्स इन न्यूज़ में हमने आपको नोटिस करके बताया भी था, और ये शेयर आज मजबूत शुरुआत इसने दिखाई है। कैरीसेल के QIP की खबर आई है, और आप ये देखिए कि 5% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा पेनार इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश में, इन्होंने एक प्लांट लगाया है, बड़ा प्लांट लगाया है, और उसके चलते हम देख रहे हैं कि पेनार इंडस्ट्रीज में भी 5% की तेज़ी पर शुरुआत हुई है। गांधार ऑयल को मिडिल ईस्ट से एक ऑर्डर मिला है, एंड डॉक से,
और 5% की तेज़ी पर यहाँ पर शुरुआत हुई है। गांधार ऑयल जो कि वाइट ऑयल की ये कंपनी है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कुछ कुछ रियल एस्टेट वाले पूर्वांकरा में 5% के आसपास की तेज़ी पर कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो डिफेंस वाले काउंटर्स हैं, शिप बिल्डिंग वाले, गार्डन रीच शिप बिल्डर, 4% के आसपास की तेज़ी पर यहाँ पर भी शुरुआत हुई है। और अतुल ऑटो जो कि लगातार चल रहा है, ये शेयर बेहतरीन मूव्स दिखा रहा है, धीरे धीरे करके 800 रुपये के आसपास अतुल ऑटो पहुँच गया है। ओमैक्स आज हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर भी था ये शेयर, ओमैक्स में 3% के आसपास की तेज़ी है, 120 रुपये के ऊपर जाकर ये कारोबार कर रहा है। तो कई सारे ऐसे शेयर्स हैं, रोटो पंप आप देखिए, शक्ति पंप देखिए, जो पंप वाले शेयर हैं वहाँ पर मॉनसून का प्ले है कहीं न कहीं और वहाँ पर तेज़ी होते हुए दिख रही है। लेकिन अगर हम गिरने वाले शेयरों की अगर बात करें तो आप जितनी ब्रोकिंग कंपनीज हैं, चाहे वो एंजेल वन हो उसको देखिए, क्योंकि जो खबर आई है सीबी की जो सर्कुलर आया है ब्रोकिंग कंपनीज को लेकर और MIIs को लेकर, मार्केट इंफ्रा इंस्टीट्यूशंस को लेकर, आप देखिए मोतीलाल ओसवाल कमज़ोर है, 5 पैसा कैपिटल कमज़ोर है, ये कुछ शेयर्स आज कमज़ोरी के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। और पावर में थोड़ा थोड़ा सा मूव हम देख रहे हैं कि कैप्ड है, थोड़े कमज़ोरी के साथ ही कारोबार होते हुए शेयर दिख रहे हैं। NTPC को अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा आपको आज कमज़ोरी के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। टॉरेंट पावर के शेयर में भी कमज़ोरी है। इंडिया सीमेंट में थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आज भी हो रही है, 3.5% की गिरावट के साथ ये शेयर कारोबार करता हुआ आपको आज के सत्र में ये दिखेगा। इसके अलावा डेल्टा कॉर्प और जी एंटरटेनमेंट पर भी दबाव के साथ कारोबार हो रहा है। लेकिन IT में अगर आप देखेंगे तो मूव्स ठीक ठाक बने हुए हैं। एम्फेसिस में भी आज तेज़ी है और उसके अलावा इन्फोसिस, टीसिस, टेक महिंद्रा के शेयर भी 0.5% के आसपास की तेज़ी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बाजार का ये मूड हो गया। शुरुआती सत्र में हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक ने अपनी तेज़ी पूरी की पूरी गंवा दी, अब ऑलमोस्ट फ्लैट कारोबार कर रहा है। लेकिन एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे, सृष्टि ले चलेंगे आपके पास और जानेंगे ओपनिंग।